स्मार्ट किसान स्मार्ट खेती, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। भारत की पहचान आज भी खेती और किसानों से होती है। खेती में बदलाव का सीधा असर उनके जीवन पर पड़ता है। पिछली वीडियो में हमने जलवायु परिवर्तन का खेती पर पड़ने वाले प्रभाव को देखा कि कैसे खेती में उपज बढ़ाने के लिए सिंचाई के साधनों का अनियंत्रित उपयोग, रासायनिक खादों के ज्यादा इस्तेमाल और जलवायु परिवर्तन के कारण मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हुई है या स्थिर हो गई है। पर्यावरण को भी इससे काफी नुकसान पहुंचा है और यही कारण है कि आज हमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर अर्थात CSA की जरूरत आ पड़ी है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर या CSA से हमारा मतलब खेती के वर्तमान प्रणाली के स्मार्ट अर्थात बेहतर प्रबंधन से होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण आज पूरी दुनिया के सामने खाद्य सुरक्षा का संकट है। अगर हम लोग ऐसे ही खेती करते रहे तो लंबे समय में तापमान में वृद्धि, असामयिक वर्षा, फसलों में कीड़ों का प्रकोप बढ़ने से धीरे धीरे उत्पादकता और कम होगी और लोगों के सामने खाने का भी संकट होगा। CSA इस संकट से बचाने में हमारी मदद करेगा क्योंकि इसके तीन मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, कृषि उत्पादकता और आय में लगातार वृद्धि प्राप्त करना। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के तहत हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना खेती अर्थात फसलों, पशुधन और मछली पालन से अपनी आय में लगातार वृद्धि कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने फसल चक्र में बदलाव करना होगा। ऐसे फसलों का चयन करना होगा जो कम समय में अच्छी उपज दे। साथ ही साथ बहु फसलों की पद्धति को अपनाना होगा ताकि एक फसल में होने वाले नुकसान को दूसरे फसल से कम किया जा सके। दूसरा, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन का निर्माण करना, या यूं कहें कि जलवायु परिवर्तन का आकलन करना और उससे निपटने का उपाय बताना, जैसे फसलों में कीड़ा तथा अन्य बीमारियों का लगना तथा सूखा या ज्यादा बारिश से फसलों के बर्बाद हो जाने से होने वाले नुकसानों को कम करना। इसके लिए ऐसे बीजों का इस्तेमाल करना जो सूखे को झेलने में सक्षम हो, या फिर ऐसे फसलों की खेती करना जिसमें कम पानी की जरूरत पड़ती हो। इसके अलावा जीरो टिलेज की विधि को अपनाना ताकि कम जुताई की वजह से मिट्टी को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके, जैविक खेती को बढ़ावा देना इत्यादि। इसके अलावा ऐसे पशुओं को पालना जो बदलते जलवायु परिवर्तन के साथ अपने आप को उसी अनुरूप ढाल ले। और तीसरा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। खेतों की ज्यादा जुताई, रासायनिक खादों के ज्यादा प्रयोग एवं कृषि के आधुनिकीकरण के कारण खेती में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन काफी बढ़ा है। इसका अर्थ ये है कि इसकी वजह से वातावरण में कार्बन की मात्रा बढ़ती है, जिससे हमारे स्वास्थ्य के साथ ही साथ खेती का भी बहुत नुकसान होता है। इसलिए हमें पहले बताए गए सभी उपायों को अपनाना होगा तथा साथ ही साथ पेड़ पौधों की कटाई को भी रोकना होगा, क्योंकि पेड़ पौधे वातावरण को स्वच्छ बनाने का काम करते हैं। फसल के अवशेषों का भी उचित प्रबंधन करके इन गैसों की मात्रा को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हमें पराली जलाने से बचना होगा क्योंकि इसका भी वातावरण पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार हम स्मार्ट खेती अर्थात CSA को अपनाकर जहां एक तरफ भूमि की उपजाऊ क्षमता और फसलों की उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ रासायनिक खाद पर निर्भरता और लागत में कमी लाकर अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं। तो देर किस बात की, अगर अभी तक आपने खेती के इस स्मार्ट तरीके को नहीं अपनाया तो आज से ही शुरू कीजिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ,
क्योंकि हमें आपको बनाना है स्मार्ट किसान। अगले वीडियो में हम कृषि में जलवायु परिवर्तन से होने वाले जोखिमों को कम करने के उपाय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।